हेलो एवरीवन लेट्स टॉक अबाउट डिसीजन थ्योरी नाउ टू अंडरस्टैंड डिसीजन थ्योरी वी नीड टू अंडरस्टैंड डिसीजन अंडर सर्टेनिटी डिसीजन अंडर रिस्क एंड डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी अब जैसे कि आप जानते हैं कि आपको कोई भी डिसीजन लेना है उसके लिए वी हैव वेरियस ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन डिसीजन थ्योरी हमें हेल्प करता है ये जानने में कि हम कौन सा ऑल्टरनेटिव चूज करें सो दैट इट प्रूव्स टू बी बेनिफिशियल फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन

तो ये तीन पॉसिबल पे ऑफ़ हमारे पास है ए टू में हमारे पास ये तीन पॉसिबल पे ऑफ़ है और यू कैन से प्रॉफिट ए थ्री में हमारे पास ये तीन पॉसिबल पे ऑफ़ है सो अकॉर्डिंग टू मैक्सिम मैक्मेक्स क्राइटेरिया हम इन ऑल्टरनेटिवस में से देख लेंगे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है ए वन में मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास है टू ट्वेंटी ए टू में मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास है वन नाइनटी और ए थ्री में मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास है टू हंड्रेड so maximum of the maximums, which is your two twenty so according to maximax criteria alternative a one is selected now let's talk about maximin decision criteria now as the name suggests in this we have to choose the maximum among the minimums. तो हमारे पास जितने आल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ़ एक्शन है a one a two a three उसमें हम देखेंगे कि हमारी मिनिमम वैल्यूज़ कौनसी है In A1 we have minus eighty. In A2 we have minus sixty, and in A3 we have minus twenty. These are the minimum values we have. Is minimum value may say which is the maximum value? So maximum value is minus twenty. So which alternative course of action will be selected? A3 will be selected.